इंडिया ने आयरलैंड को क्या हराया, यहाँ पर फिर से हमारी वही औकातें आ गई, फिर से वही के बॉल में चिप डाली हुई है, पिच अपने हिसाब से बनाई हुई है, मैच को फिक्स किया गया, ये वो वही रेंडी रोने चालू हो गए, जिसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का वही मतलब इनको यकीन नहीं आ रहा, क्या क्या बातें हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। देखो हिंदुस्तान ने फतेह हासिल कर लिया आयरलैंड को, बहुत शानदार विक्ट्री थी, मैंने वो पूरा का पूरा मैच लाइव अपने लैपटॉप के ऊपर देखा और यकीन करो आज सीना चौड़ा हो गया, पता चल गया कि भाई अगर मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंडियन टीम की जर्सी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गैरत शर्म हया सब कुछ मौजूद है, ये अपने फैंस को हमेशा वो देते हैं जो इनके फैंस को चाहिए, थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट, आउटस्टैंडिंग मैच और सबसे बड़ी बात इंडिया की जीत। ये एक बार नहीं, ये इंडिया वाले बार बार करते हैं और बार बार आपको इस बात का सबूत देते हैं कि भाई हम इंडियन हैं और हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, हम अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वरना कुछ तो बेगैरत और दल्ले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने पर्सनल स्टैट्स रिकॉर्ड्स के लिए पाकिस्तान टीम के पकोड़े लगा दिए हैं, पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और आज का जो मैच हुआ है जिसमें आयरलैंड को बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिया के सामने, बिकॉज देखो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी दो दिन पहले और कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने तो ऑलरेडी बता दिया था कि क्या होने वाला है, मैंने आप लोग को रिजल्ट भी बता दिया था, मैंने आप लोग को प्रेडिक्शन भी कर दी थी और बिल्कुल वही सेम चीज हुई है जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, बिल्कुल वही प्रेडिक्शन हुई है। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, आयरलैंड को बड़े बुरे तरीके से यानी बोल्ड आउट कर दिया, 96 के ऊपर पूरी की पूरी आयरलैंड की टीम निस्त और नाबूद हो गई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को ये चीज़ रास नहीं आ रही, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि ये हुआ कैसे, क्यों? क्योंकि दो हफ्ते पहले बगैर तेल के हमें ठोका था आयरलैंड ने, आयरलैंड की इतनी अच्छी टीम जो कि पाकिस्तान को बगैर थूक के और बगैर तेल के ठोक रही है, वो टीम इंडिया के सामने इतनी छोटी कैसे बन गई, वो टीम इंडिया के सामने बिल्कुल लेट कैसे गई, इंडिया ने उनको इतनी आसानी से कैसे हरा लिया, मैं बताता हूँ ना कैसे हरा लिया, क्योंकि इंडिया के अंदर गैरत शर्म है, हमारे दलों के अंदर, हमारे क्रिकेटर के अंदर खत्म हो गई है गैरत, हमारे क्रिकेटर सारे कुत्ते ये बस हराम खाने के लिए बैठे हुए, इनसे क्रिकेट विकेट ना खिलाओ, ये आयरलैंड से भी हारेंगे, ये नेपाल से भी हारेंगे, यूएस से भी हारेंगे और ये कैनेडा से भी हारेंगे, लेकिन इनके अंदर गैरत शर्म नहीं आएगी। आज यकीन करो मैं खुद हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई इंडिया की जीत के ऊपर ये कौन सी बात है कि मैच फिक्स हो गया, कैसे तुम्हारी औकात क्या ये बोलने की कि मैच फिक्स हुआ है। बेगैरत के बच्चों, अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो अपने टैलेंट को खुद बोलो कि हाँ हमारा टैलेंट लूसी हो चुका है, हमारा टैलेंट घिस चुका है, बर्बाद हो चुका है, हमारी क्रिकेट टीम बर्बाद हो चुकी है, हम नहीं जीत सकते ना आयरलैंड से ना किसी और टीम से। लेकिन अगर हिंदुस्तान जीत रहा है और एक बार नहीं बार बार जीत रहा है, बार बार आपको करके दे रहा है, तो आप कौन होते हो, आपकी औकात क्या है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बातें करो और ये बोलो कि हिंदुस्तान मैच को फिक्स कर रहा है। ओ भाई ये IPL या PSL या छोटे मोटे मैचेस होता तुम लोग की बकवास को बंदा बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर तुम अपने ये गंदे मुंह से गंदी बात कैसे कर रहे हो कि इंडिया मैच को फिक्स कर रहा है। ओ भाई तुम उनके बॉलर देखो, डेढ़ गज अर्शदीप सिंह की स्विंग हो रही थी बॉल, और ये बाय द वे वही अर्शदीप सिंह है जिसने 2022 में बाबर आजम के छक्के छुड़ा दिए थे, बाबर आजम को पहली बॉल के ऊपर LBW करके आउट किया था, तुम लोग को याद होना चाहिए, ये है वो प्लेयर्स। जबकि पाकिस्तान के कुत्ते, मैं प्लेयर्स नहीं बोलूंगा ये कुत्ते ही बोलूंगा, क्योंकि भाई इनको सिर्फ भौंकना आता है, अगर आप मीडिया पर देखते हो तो पाकिस्तान के बॉलर्स, मेरा टारगेट विराट कोहली है, मेरा टारगेट इंडिया है, मेरा टारगेट ये है, जबकि इंडिया के बॉलर्स की तरफ से कोई एक बयान मुझे सुनवा दो जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट घंटा आजम है, मेरा टारगेट ये है तो मेरा टारगेट वो है। वो अपना काम करते हैं टीवी पर आकर, वो टीवी अगर बॉलिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 घंटे बॉलिंग करते हैं दिन में, टेस्ट क्रिकेट में इतनी बॉलिंग नहीं होती जितना एक T20 का बॉलर प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के मैच के अंदर, लेकिन नहीं, पाकिस्तान इनसे सीखेगा नहीं, बस इनके खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करेगा। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान मीडिया वाले यही कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स हुआ है। ओ भाई 96 के ऊपर आयरलैंड की टीम को आउट किया, और वो आयरलैंड है, वो कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब तुम्हारे सामने वो आयरलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बन जाते तो इसमें तुम्हारा कसूर है ना, तुम्हारी 2% की टीम को आयरलैंड ने बगैर थूक और बगैर तेल के पेला है, तो भाई इसमें फिर यहाँ पर ये बताओ कि इंडिया का क्या कसूर, तुम्हारे बेगैरतों को शर्म आ रही है, बेगैरत आजम को, बेगैरत आजम जो कि आजम खान और बाबर आजम दोनों को मिलाओ तो भी ये बनता है बेगैरत आजम, इन दोनों को यहाँ पर कोई शर्म आ रही है, ये दोनों बिल्कुल फेल हो गए आयरलैंड के सामने, इफ्तिखार अहमद हो गए, शादाब हो गए, पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार बिल्कुल फेल हो गए, निठल्ले बेरोजगार जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, और अब जो है वर्ल्ड कप में ये इंडिया को धमकियां लगा रहे हैं कि हमने इंडिया को हराना है, ये इंडिया को बातें सुना रहे हैं कि हमने अब इंडिया को हराना है। ओ बेगैरत के बच्चों, को शर्म कर लो, कोई हया कर लो, तुम लोग की औकात है इंडिया को हराने की, ये कुत्ते ये क्या हराएंगे इंडिया को। अबे 9 जून का तो छोटा सा ट्रेलर अभी तुमने देखा है, अभी तो तुम्हारा पूरा मैच देखा नहीं है, तुम्हें क्या पता कि इंडिया क्या करने वाला है 9 जून को, उसका छोटा सा एक ट्रेलर नमूना दिखाया है, नमूना कि भाई ये है यहाँ पर इंडिया की बॉलिंग। हार्दिक पांड्या को देखो, 3 विकेटें,
जितने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहे थे और यही पाकिस्तानी हंस रहे थे इसके ऊपर कि भाई ये हार्दिक पांड्या को कैसे ले लिया, इसकी तो आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है, ये रोहित शर्मा को कैसे ले लिया, ये तो बिल्कुल आईपीएल में फेल हो गया। भाई जब ये जर्सी कोई पहनता है ना इंडिया के अंदर, तो वो अपने मुल्क का हो जाता है, वो अपने मुल्क के लिए खेलता है, वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता। आज अगर रोहित ने 52 बनाए हैं तो अपनी कंट्री के लिए खेला है वो, उसने अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेला। 4000 रन भी पूरे कर लिए रोहित शर्मा ने, ये भी मैं आपको बता दूं, 4000 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन भाई ये पाकिस्तानी दलों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि यहां पर सारे सेल्फिश रहते हैं, सबको सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन्स का पता होता है कि हमने अपने 4000 रन मुकम्मल करने, भले पाकिस्तान टीम चढ़ जाए घोड़े के ऊपर, हमने अपने माइलस्टोन्स अचीव करने चाहे पाकिस्तान टीम चढ़ जाए घोड़े के ऊपर। इसी तरीके से हार्दिक पांड्या, भले मुंबई इंडियंस की तरफ से वो फेल हुआ, भले मुंबई इंडियंस की तरफ से उसने कोई बहुत ज्यादा रन स्कोर नहीं किया, बहुत बड़े बड़े विकेट नहीं ली, लेकिन जैसे ही उसने इंडिया की जर्सी पहनी तो भाई उसकी परफॉर्मेंस तुम देख लो कि कहां से कहां चली गई है। उस बंदे ने दुनिया हिला दी है, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स परेशान हो गए कि हार्दिक पांड्या कैसे इस विकेट के ऊपर 3-3 विकेट ले रहा है। ये है इंडिया का जज्बा, ये है इंडिया के प्लेयर्स का जज्बा। और हम यहाँ पर 2% के लोग पाकिस्तानी, हमने यहाँ पर खाली इंडिया के खिलाफ बातें करनी है, हमने खाली इंडिया के खिलाफ अजीबोगरीब से शोशले छोड़ने हैं। अभी तो मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट देखो, हारिस रूफ का देखो, ये सारे जितने दल्ले पाकिस्तान के नए नए बॉलर आए हैं इनके स्टेटमेंट देखो, ये इंडिया के खिलाफ खाली बातें कर रहे हैं कि भाई हमने इंडिया को ये करना है, ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया को हराना है। ओ भाई तुम कहो कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, चलो समझ में आता है, तुम कहो हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, समझ में आता है, तुम सबके लिए एक बात करो, लेकिन तुम्हारा स्पेसिफिक टारगेट इंडिया क्यों है? जबकि इंडिया की ये सोच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को किसी खाते भी नहीं लाता, वो इंडिया यही कहता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है कि हमसे खेलेगा, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इंडिया को हराएं। इंडिया लिटरली उनका माइंडसेट हमसे बहुत ऊपर है भाई, वो कहते हैं हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से कराओ, इंग्लैंड से कराओ, ये 2% के पाकिस्तानियों की क्या औकात है कि हमसे खेलेंगे, वो इंडिया वाले ये सोचते हैं। और हम यहाँ पर बैठ के इंडिया के लिए कि भाई हमने इंडिया को हराना है, भाई हमारी बस की नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम इंडिया को हरा सकें, इंडिया को हराना हमारे दौर का बस, हमने जितना हराना था हरा लिया, अब भूल जाओ कि हम कभी जिंदगी में इंडिया को हरा पाएंगे। और खास तौर पे जब तक ये घंटा आजम है तब तक तो हम कभी भी नहीं हरा सकते इंडिया को, बिकॉज हमारे क्रिकेट तबाह बर्बाद करने वाला ही यही है, हमारे क्रिकेट का नक्शा बदलने वाला ही यही है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को जहन्नम नेस बना दिया, बिल्कुल नेस तो नाबूद कर दिया है। और अभी भी कुछ घंटे के फैंस हैं जो कि इससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये बंदा पाकिस्तान को कुछ ना कुछ जितवाएगा। ओ भाई आयरलैंड को अगर आज हराया है ना तो मानो कि हाँ इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छी है, इसीलिए आयरलैंड को हराया है, इंडिया ने क्रिकेट टीम में बहुत जबरदस्त खेला है, इंडिया ने आज वर्ल्ड कप की शुरुआत बहुत अच्छी की है, इसलिए आयरलैंड को हराया है। ओ भाई वो आयरलैंड है, वो तुम्हारे सामने पाकिस्तानी हो, तुम्हारे सामने हमारे सामने वो ऑस्ट्रेलियन बन सकते हैं, लेकिन इंडियंस के सामने वो आयरलैंड ही है, इंडियंस उनको आयरलैंड की तरह ही ट्रीट करेंगे, जिस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है इंडियन वही काम करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है यहां पर आयरलैंड को हराने की, इंडिया तो उसको चुटकियों में हरा देता है। और आज जिस तरीके से हराया है, 11 ओवर 12 ओवर के अंदर पूरा टारगेट 96 का चेस कर लिया, 8 विकेटों से जीता हिंदुस्तान आयरलैंड से, और 96 के ऊपर पूरी की पूरी आयरलैंड की टीम को आउट कर दिया। और तुम यहाँ पर कह रहे हो बैठ के मैच फिक्स है, बेगैरत के बच्चों को शर्म कर लो, कोई दिमागी सेंस वाली बात कर लो, शर्म नहीं आती बस ऐसे खाली मुंह पे बातें करनी है। बाकी यार तुम लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।